बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नगला कली में तालाब पोखर पर कब्जे के विरोध पर नगला कली में धरना गुरुवार से शुरू हो गया। प्रधानपति व ग्रामीणों ने पूर्व बसपा विधायक काली चरण सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को धरने का दूसरा दिन था। धरने में नगला कली के पुरुष और महिलाएं काफी संख्या में मौजूद रहे। धरने पर बैठे प्रधान और ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूर्व विधायक का तालाब पर बनी पार्किंग से कब्जा नहीं हटाया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। प्रधानपति रूपाला स्वामी धरने में इसलिए बैठे हैं कि पोखर की सफाई होनी है, उनमें पूर्व विधायक काली चरण सुमन ने और बाउंड्री लगा के और कब्जा कर रखा है। हमें 31 तारीख को परमिशन मिल चुकी है सफाई खुदाई के लिए। आपने शिकायत नहीं करी? हमने काफी शिकायत की है, आज तक हमारी शिकायत पर कोई किसी भी अधिकारी ने अमल नहीं किया गया, क्योंकि उनकी ऊंची पहुंचे और दबंगे के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जाके हमें उनकी सफाई की खुदाई की परमिशन मिली है। हमने कहा था विधायक जी ये पोखर की बाउंड्री टूटेगी, उन्होंने कहा क्या लाता बेचा है बाउंड्री टूटेगी, परंतु बिना बाउंड्री टूटे पोखर की सफाई नहीं हो सकती। पार्टी के विधायक वो बसपा बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। तो उन्होंने तालाब पे कब्जा करके क्या पार्किंग बना लिया स्कूल? उन्होंने स्कूल की पार्किंग बना रखी। जब भी कोई उनके प्रोग्राम होता है बच्चों वहाँ वाहन खड़े होते हैं उनके, और जो उनके स्कूल सामने रास्ता है वो 22 फुट का है और वर्तमान में 44 फुट का रास्ता बना रखा है। करानी है सर मुझे। क्या हुआ? पोखर की खुदाई सफाई करानी है। किससे? कलीय ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व विधायक कालीचरण सुमन ने अपने व प्रधानी कार्यकाल में तालाब की जमीन पर कब्जा कर उसे रास्ते में मिलाकर अपने स्कूल की पार्किंग बना डाली और उसे सार्वजनिक रास्ते का कहकर कब्जा जमा लिया, उसमें स्कूल की बसें वहां खड़ी रहती हैं। इधर ग्राम प्रधान सुशीला देवी का आरोप है कि पूर्व विधायक और उसका परिवार विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने जनहित में पुराने नाले को तोड़वा कर नए नाले का निर्माण प्रस्ताव पास कराया था, लेकिन पूर्व विधायक ने PWD अधिकारियों को दबाव में लेकर उनके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया था। पूर्व विधायक के परिवार से 20 वर्षों से प्रधान पद पर वर्चस्व था, लेकिन इस बार वे प्रधानी के चुनाव में हारने के बाद से ही रंजिश रखने लगे हैं। उधर इस मामले पर पूर्व विधायक काली चरण सुमन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया और प्रधानपति पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगा विरोध जताया। उन्होंने बताया कि उन पर तालाब पर कब्जे के आरोप झूठे हैं। तालाब पर बाउंड्री व रास्ता जिला पंचायत द्वारा कराया गया था। यहां से कई बार खुले तालाब में गिरकर कई लोग चुटेल हो चुके हैं और कईयों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इस मामले में शुक्रवार को DM से मिलकर एक शिकायती पत्र भी सौंपा। प्रधानपति आरोप लगा रहे हैं तालाब पे कब्जे को लेकर, क्या मामला है बताएं थोड़ा सा। गांव की ग्राम प्रधान सुशीला देवी का एक पति है भूपाल दास सोनी, वो शिकायत आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहली बार आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे, जब मैं विधायक था तब भी आरोप लगाए, दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों के सारे पर, दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों के सारे पर इसने पहले भी आरोप लगाए थे कि विधायक ने कब्जा कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, ये कराया वो कराया। तो वो उन आरोपों में सारे आरोप झूठे निकले। जाँच भी हुई थी, प्रमुख सचिव के यहाँ से जाँच हुई थी, सब में क्लीन चिट मिला था। फिर इस बात को लेकर फिर धरने पर बैठ गए कि विधायक ने कब्जा कर लिया है। आज मैं जिलाधिकारी महोदय के संबंध में मिला था, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मेरे राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का अब तक कोई आरोप नहीं है। मैं इस संबंध में मिला था, मुझे भी ये सुनकर के बड़ी ठेस हुई थी कि इस तरह से आरोप कोई किसी पर लगा सकता है। मैंने कहा है DM साहब से, यदि मेरा कहीं कब्जा हो तत्काल उसको हटा दिया जाए, यदि जिसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। ये जो रोड पे कब्जा रोड बनाया है, ये किसने बनाया था उस समय? ये पहले 2006-07 में बनाया था, जिला पंचायत ने बनाया था। जिला पंचायत ने, इसने बहुत पहले की बात है 2006-07 में, उस समय यहाँ एक बहुत गहरी पोखर है, आज भी गहरी पोखर है, वहाँ पर एक 9000 ईंटों का ट्रक आ रहा था, उसमें 6-7 लोग इस पोखर में गिर गए थे, पोखर में गिर गए थे। मौके पर उस तत्कालीन SDM आए थे उस समय के और DM साहब भी आए थे, उस समय मौका मुआयना किया, उन्होंने कहा था कि पोखर बहुत गहरी है, इसीलिए इसकी रिटर्निंग वाल होना बहुत ज़रूरी है। रिटर्निंग वाल जिला पंचायत से हुई थी 2006-07 में, 6-7-8 में ऐसी हुई थी, इतना मुझे पूरा ध्यान नहीं है, हुई थी वो हुई इसलिए थी कि कहीं किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, उसको बिना वजह
वो हमारा कब्जा दिखाते हैं, किसी और का कब्जा दिखाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह के कहते हैं कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं, तरह तरह के फलाने कहते हैं। आप पे आरोप लग रहे हैं झूठे हैं सब, सारे बात झूठे हैं। यदि वो सिद्ध कर दे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, और यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसमें उन्होंने जांच करने की कही है, उनका कहना है कि अगर मेरा कब्जा है तो उसे मुक्त कराकर मेरे खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा उन पर झूठा आरोप लगाने वाले प्रधानपति पर कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानपति पर नाले को तोड़ने व हैंडपंप मामले में दो मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, वे हर जांच का सामना करने को तैयार हैं। प्राइम 18 न्यूज़ आगरा से सुनील अरोड़ा की खास रिपोर्ट।